आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव 23 जून को होना है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी आजमगढ़ में रणनीति तैयार करने के लिए पहुंचे थे। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सपा के वंशवाद पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा वाले वंशवाद को लेकर सपा की बेवजह ही घेराबंदी करते रहते हैं। अब देखिए, गाजियाबाद से राजनाथ सिंह का बेटा ही चुनाव लड़ता है, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष है, वहाँ जातिवाद नहीं दिखता। भाजपा के पास दो चश्मे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में बिखराव नहीं है, राजभर समाज सपा के साथ है, यही कारण है कि जिले की सभी सीटों पर सपा चुनाव जीती। भाजपा के लोग प्रोपेगंडा फैला रहे हैं, असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटा रहे हैं। भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान की राजनीति करते हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी को जिताने के लिए राजभर ने सुभाषपा के पदाधिकारियों के साथ रणनीति बनाई। चुनाव की तैयारियों के संबंध में उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार रहते हैं, हम लोग न्याय पंचायत स्तर तक जाएंगे। कानपुर हिंसा मामले पर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि कानपुर हिंसा में जिसने आग लगाई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए कि वह भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा के लोग नहीं हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजभर का कहना है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर प्रदेश में आग लगाई जा रही है और वोट तो चाहिए पर आग लगाकर।